भाइयों, हम लोग इंडिया गेट पे हैं। आज हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली का एक केंद्रीय बिंदु है। आज हम यहाँ अपने साथियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई के लिए दिल्ली में एकत्र हुए हैं और कल आप लोगों का इंतजार रहेगा। निश्चित रूप से हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग ठीक 11 बजे जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दें और जय घोष, जैसा कि हमारी जो रैली हो रही उसका नाम ही है पेंशन जय घोष रैली, आपकी उपस्थित से ही जय घोष संभव है। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में झंडा और बैनर के साथ नई दिल्ली की इस संघर्ष की धरती पर आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे और ओपीएस के रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन जय घोष महारैली ये पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी दिसंबर 2023 में 10 दिसंबर जो कि मानवाधिकार दिवस होता है, मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमने 10 दिसंबर 2023 को उसी जंतर मंतर की ऐतिहासिक भूमि पर पेंशन जय घोष रैली की थी और उस पेंशन जय घोष रैली का परिणाम ये हुआ था कि हमें भारत सरकार ने अगले ही महीने लिखित में आमंत्रित किया था पुरानी पेंशन बहाली के मामले में अपने सुझाव देने के लिए। मेरे साथ हमारे आज राष्ट्रीय महासचिव जी सुधीर रूप जी भी मौजूद हैं जो उस समय हमारे साथ वित्त मंत्रालय में गए थे, हम लोगों ने सुझाव दिए थे और मैं उसका कहूंगा कि उसका एक जीता जागता ये उदाहरण उसका सबूत है कि सरकार ने 50% अंतिम सैलरी का पेंशन की डीए के साथ गारंटी को मंजूरी दी, भले ही उसने बंदिश लगाई 25 साल की। अब जो हमारी लड़ाई है उसको 25 साल को कम करा करके 20 साल पे लाना है और कर्मचारी अंशदान को ब्याज सहित जीपीएफ की तरह वापस पाना है, ये हमारा लक्ष्य है कल की रैली का। और आपके सहारे, आप इतने बड़ी तादाद में आएंगे तो हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कल की जो ऐतिहासिक लड़ाई होगी इसके बाद आपको आपके दोनों अधिकार मिलेंगे, पुरानी पेंशन जिसे आप हूबहू ओपीएस कहते ना वही पेंशन मिलेगी और नाम चाहे कुछ भी हो, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम से हमारा कोई वास्ता नहीं। क्रांतिकारी धरती से तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ बड़े भाई रामलाल यादव जी हैं, क्रांति सिंह जी और तमाम उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम साथी आ चुके हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। कल 17 नवंबर को ठीक 11 बजे एक संग्राम शुरू होगा जंतर मंतर की धरती पर जो कि बहुत ऐतिहासिक धरती है। कहा जाता है कि जंतर मंतर की धरती पर जब भी हम कोई सच्चे मन से कोई फरियाद करते हैं, चाहे वो सरकार से हो चाहे प्रशासन से हो, वो जरूर पूरी होती है। पूरे देश से अटक से लेकर के कटक तक के और अरुणाचल से लेकर के राजस्थान तक के कर्मचारी आ रहे हैं, हमारी सभी से अपील है आपकी यात्रा मंगलमय हो। और अभी देखने में सुनने में भी आ रहा है कि तमाम ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, तो जो ट्रेनें लेट हो रही हैं जिन साथियों को, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि ट्रेन अगर ज़्यादा लेट है तो उसका इंतज़ार ना करें, अपने साधन को बदलें। आज दिल्ली से 700-800 किलोमीटर की दूरी तक बसों की इतनी बेहतरीन सुविधा है कि आपको ट्रेनों के भरोसे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार करते करते 20 साल 21 साल गुजर गए और एनपीएस ख़त्म नहीं हुआ, और इंतज़ार करेंगे तो ये 21 साल 31 साल में बदल जाएगा। कल हम सभी आपका जंतर मंतर की ऐतिहासिक भूमि पर स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। आप 11 बजे तक हर हालत में पहुंच जाइए। हमारे साथ रामलाल भैया है, मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पहुंचे हुए। सबको नमस्कार, मैं रामलाल यादव उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आप सभी इस भारत के सभी राज्यों के कर्मचारी शिक्षक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि कल 11 बजे जंतर मंतर पर मौजूद होकर आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और एनपीएस को ईपीएस में बदलकर यूपीएस को बदलकर ओपीएस को लागू कराएं। आपसे सब हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कल जल्दी 11 बजे जंतर मंतर पर आप लोग उपस्थित होकर सरकार को जता दें कि हमको ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध होगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे जंतर मंतर पर दिल्ली। हम क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश, हम दिल्ली आए हुए हैं। बस एक ही चीज कहेंगे, इस ऐतिहासिक जो विरासत है हिंदुस्तान की, इंडिया गेट से कहेंगे, आप देख रहे हैं कि प्रदीप सरल जी हैं, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी हैं और सिंचाई विभाग से रामलाल यादव जी हैं, आयकर विभाग है, सभी लोग हैं। बस एक चीज कहना है, ध्यान दें आप कि
जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, 17 नवंबर को जंतर मंतर पर गूंज उठेगा ओपीएस के नारों से। हम ओपीएस के लिए संघर्ष करेंगे और हमें विश्वास है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, जैसे एमपीएस से यूपीएस हुआ वैसे यूपीएस से हमारा ओपीएस होगा। एक अपील करूंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले शिक्षक साथी, कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी, संसाधनों की परवाह न करें। जब मंजिल खूबसूरत हो, जैसे कहावत है ना कि जब दुल्हन खूबसूरत हो तो दहेज की परवाह नहीं करते, और जब मंजिल यानी आपकी जब ओपीएस खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। हम पूरी टीम जो डॉक्टर मंजीत पटेल जी के नेतृत्व में जिस रैली का आयोजन किया गया है, पेंशन जय घोष महारैली, उसमें हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोग कल 10:30 से 11 बजे के बीच में जंतर मंतर पर एकत्रित होंगे। एक अपील और कहूंगा कि आप सभी लोगों से कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क्या चाहिए? पुरानी पेंशन, 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 पेंशन। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंजीत सिंह पटेल, इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और पूरे देश से तमाम कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि कल 17 नवंबर को 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त पेंशन जय घोष रैली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये रैली नहीं है, ये महारैला होने वाला है, और सिर्फ एक ही मांग है, एनपीएस यूपीएस को हटाकर ओपीएस बहाल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये कर्मचारियों, अधिकारियों और जितने भी तमाम सरकारी कर्मचारी एनपीएस धारी है, देश में तकरीबन 91 लाख कर्मचारियों से मंजीत सिंह पटेल अपील कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपील सिर्फ एक बात के लिए कि आप अगर अभी संघर्ष कर लें तो आगे वाला जीवन आपका सरल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको पता ही होगा एनपीएस लागू हुआ लगभग 20-21 साल हो चुके हैं, और 2004 में ये लागू हुआ था, और अभी सरकार जब 24 अगस्त 2024 को फिर से यूपीएस लेकर चलाई। जी हाँ दोस्तों, और ये तो महा खत्म है यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें सरकार की भी काफ़ी किरकिरी हुई इसके ऊपर, अब पूरा देश के कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है, ये बात आपको पता होगा पहले से। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से पेंशन जय घोष रैली किया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ दोस्तों, और तमाम सरकारी कर्मचारियों से, मंजीत सिंह पटेल हो, क्रांति सिंह हो, तमाम जो लीडर्स हैं वो अपील एक ही कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुंचे, और एक दिन की तो बात है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी दिल्ली पहुंच चुके हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया किया जा रहा है मंजीत सिंह पटेल के द्वारा, और जबरदस्त तरीके से सभी के दिलों में उत्साह है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखे होंगे कर्मचारी एक ही मांग करता है, और मंजीत सिंह पटेल लगभग यूपी के लगभग 10-12 जिले घूमे हैं, और सारे जगह से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और देश के करीब करीब 50 संगठन मंजीत सिंह पटेल के साथ चल रहा है, और दिल्ली रवाना हो चुका है, और अब वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। लोग बस पकड़कर, जो आसपास के लोग हैं 1700 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग हैं, सारे लोग पहुंच रहे हैं, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, अटक से कटक तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लोग जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और एक ही मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में आपको पता होगा यूपीएससी, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ दोस्तों, उसमें छात्रों का जबरदस्त आक्रोश देखा गया था, और उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें अगर सारे कर्मचारी एक साथ अगर इसी तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी तो मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और जब तक आप जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट और संघर्ष नहीं करेंगे, आपको ओपीएस बहाल होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा यूनियन लीडर्स जो है, बहुत सारे यूपीएस जो आया है उसके लेकर भी बहुत लोग में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने यूपीएस लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, जबकि पूरे देश से उसको गाली पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, फिर भी उसको ये लगता है कि हमने यूपीएस लेकर आया, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहता, और इसीलिए मंजीत सिंह पटेल साहब बोले, मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि जो यूपीएस है उसमें अगर दो चीजें बदल दी जाए, एक तो 10% कंट्रीब्यूशन का मामला है, उसे वापस लेने की बात बोल रहे हैं मंजीत सिंह पटेल। उनका कहना है कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर आपने जाम कर दी, दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों कर्मचारी एक साथ आप लोग आ गए, तो 6 महीना के अंदर ओपीएस लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 6 महीना के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नेता कोई बोलता नहीं है, खुलकर बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल, आपको पता होगा नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष हैं, और उनका साफ
ये बात पर जोर दिया गया था कि जब तक आप दिल्ली आएंगे, जब तक घर वापस होंगे, जब तक ओपीएस बहाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मंजीत सिंह का वाइट है। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह का वर्डिंग है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, कोई नेता इस तरह से बोलता नहीं। आज साफ उनका कहना था कि आप दिल्ली आए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करें, सारे चीज व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली में सारा चीज का व्यवस्था कर दिया गया, कोई पुलिस का कोई रुकावट ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे कागजात प्रतिक्रिया कर लिया गया है, और आप लोग को आने कर भर देरी है। जी दोस्तों, और आकर जंतर मंतर आप जाम करें, जब तक घर वापस जाएंगे जब तक ओपीएस बहाल हो जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से प्रेशर पड़ेगा। और जब कोई चीज का प्रेशर पड़ता है, जिसे आपको अभी प्रयागराज में स्टूडेंट ने कर दिखाया, जहां दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर जबरदस्त तरीके से उनका प्रोटेस्ट हुआ, और जबकि लाठी डंडे भी बरसाए गए, लेकिन स्टूडेंट हटा नहीं और अपनी मांग पर जिद पर अड़ा रहा कि एक दिन एक शिफ्ट ही एग्जाम कराना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि दो दिन दो शिफ्ट में एग्जाम हो, ताकि धांधली हो सके, लेकिन स्टूडेंट का कहना था कि एक दिन एक शिफ्ट हो और नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, और सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना पड़ा, और जो स्टूडेंट का मांग था वो पूरा करना पड़ा, नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करना पड़ा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आप में दम है, आप में थोड़ा सा भी ओपीएस लेने की दम है, तो प्रोटेस्ट करें। और दिल्ली जंतर मंतर पर जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, कल का देखिएगा, कल का दिन 17 नवंबर का ऐतिहासिक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और कल का वीडियो भी हम बनाएंगे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से जोश जगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह से जगाते रहेंगे, और दिल्ली से वीडियो आपको हम दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से लगातार आपसे अपील किया जा रहा है कि आप लोग दिल्ली पहुंचे और इतना बड़ा रैला करें, पेंशन जयघोष रैला, ऐसा रैला करें कि पूरा देश दुनिया में नाम हो और देखे कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक मांग के लिए लड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, बुढ़ापे का सामाजिक सुरक्षा है, बुढ़ापे का वित्तीय सहायता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बुढ़ापे में काफी जरूरत पड़ती है सभी के लिए। जब आपको पता होगा भी एनपीएस में जितने भी रिटायर हुए हैं, उनको खर्ची तक नहीं जुट रहा, खाने का खर्ची तक नहीं जुट रहा। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश की है। तो इसीलिए जब हमारा देश संबल है, हमारा देश आपको पता होगा कि तीसरा महा अर्थ व्यवस्था होने जा रहा है, यानी पांच ट्रिलियन आपको पता होगा, इतना इकोनॉमी है हमारे देश का होने जाए, कुछ दिन में हो जाएगा, सबसे बड़ा शक्ति बनने जा रहा। उस केस में आप अपने कर्मचारी को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ कहां आप कहते हैं कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, दूसरे तरफ अपने कर्मचारियों के लिए आपको मात्र पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, तो आप किस बात का आपको घमंड है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग प्रोटेस्ट करिए, सरकार के कानों में ये आवाज टिसती है, और इसीलिए लगातार आप प्रोटेस्ट करते रहिए। एनएमओपीएस के नेता विजय बंधु का तो साफ कहना है कि हमें चाहिए तो सिर्फ ओपीएस चाहिए, और हूबहू पुरानी पेंशन, उससे ज्यादा ना मांग रहे ना उससे कम मांग रहे। कल भी चैनल पर एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनका कहना था कि हमें हूबहू ओपीएस चाहिए। हमें संशोधन करने वाले कोई भी संगठन से काफी एतराज है, काफी नाराजगी है, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा संशोधन की बात करते हैं, उनका कहना है कि यूपीएस में और संशोधन करके ओपीएस बना देंगे। लेकिन जो विजय बंधु है, एनएमओपीएस के जो अध्यक्ष हैं, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना कि नहीं, हम संशोधन की बात नहीं करते, हम सिर्फ ओल्ड पेंशन की बात करते हैं, और हूबहू ओल्ड पेंशन जो लागू करेगा वही देश पर राज करेगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, 20 तारीख को वोटिंग होने वाला है, और वितेश खांडेकर जी के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र ओपीएस ओपीएस बोल रहा है, पूरा महाराष्ट्र ओपीएस ओपीएस डोल रहा है। ज्यादा दोस्तों, सरकार तक को झुकना पड़ रहा है वहां पे। आपको पता होगा उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट बोल दिया कि पहली कलम से हम ओपीएस बहाल करेंगे, वो वीडियो हम अपने चैनल पर भी चलाएं। तो इस तरह से आपसे निवेदन है कि आप लोग वोट फॉर ओपीएस का अभियान भी महाराष्ट्र में चल रहा है, जैसा कि वितेश खांडेकर बता रहे थे। इसके अलावा अभी कल 17 नवंबर है, कल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाना चाहिए, मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में ये लड़ा जा रहा है, और पूरे देश के कर्मचारी पहुंच रहे हैं दिल्ली 17 नवंबर से। कल 11 बजे जबरदस्त तरीके से एनपीएस यूपीएस हटाकर ओपीएस लागू करने की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपसे अपील है, नम्र अपील है कि दिल्ली चलो 17 नवंबर
पेंशन जय घोष रैली को महारैला बनाया जाए ताकि सरकार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। आज जो यूपीएस का गजट लाने जा रही है 1 अप्रैल 2025 से जो यूपीएस लागू होगा उसमें टोटल जो एडवांटेज है ओपीएस का वो मिल जाए, इसीलिए ये चीजें की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप संबल हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में हमें मदद मिलती है।